हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूँ राखी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एट कटलेट की रेसिपी। बंगाली में इसको एक चॉप बोलते हैं और बहुत ही फेमस रेसिपी है शाम के नाश्ते के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलते हैं रेसिपी की ओर। मैंने ले लिया 2 मीडियम साइज के आलू, वो भी बॉईल किया हुआ। मैं इसका छिलका निकल के रखी हूँ। और ले लिया 3 अंडे। अंडे को मैं ऐसे बीच से कट करके रखी हूँ। और अब मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक, ताकि कटलेट में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए। आप चाहे तो फुल अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका बीच से कट करके रखी हूँ तो इसमें खाने का टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो मैंने नमक और काली मिर्च पाउडर दे दिया और बहुत अच्छे से इसको मैं शेक करूँगी ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। और मैंने ले लिया 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। मसाला में मैंने ले लिया नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। लाल मिर्च पाउडर मैं ले लूँगी 1.5 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर चाहिए 1 छोटा चम्मच। 1 चुटकी ले लेंगे हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच ले लेंगे जीरा पाउडर। आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चाहिए 1.5 बड़े कप ब्रेड क्रम्स। तो दोस्तों, ये होममेड ब्रेड क्रम्स है। मैं 4 से 5 टोस्ट बिस्किट को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। और ले लूँगी 1 टेबल चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। मैंने ये जो आलू है उसको अच्छे से मैश करूँगी। आप चाहे तो हाथ से भी ये काम कर सकते हैं। तो मैंने देखिए ये जो आलू है उसको अच्छे से मैश कर लिया। बहुत अच्छे से आपको मैश करना है ताकि इसमें कोई लम्स या गुठली ना रहे। तो अच्छे से आलू मैश हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। प्याज देने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं धीरे धीरे ऐड करूँगी नमक, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर एंड लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो कोई दूसरा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, जैसे कि हम लोग आलू भरता बनाते हैं एकदम वैसे ही आपको मिक्स करना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो बहुत आसान काम है। मैंने थोड़ा सा छोटा सा एक पोर्शन ले लिया आलू का, उसको ऐसे फ्लैट करना है, इवनली फ्लैट करना है। और इसके बाद ये जो अंडा है इसको अंदर रख के इसको एकदम कवर करना है। देखिए एकदम ऐसे, एकदम बॉल जैसा। ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आप ये आलू को अच्छे से मैश करोगे तो ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए एकदम बॉल बन चुका है। अब मैं ये कॉर्नफ्लोर के साथ ऐड करूँगी 1 छोटी चम्मच नमक और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसके बाद मैं दे दूँगी 3 से 4 बड़े चम्मच पानी और एकदम एक पतला सा मैं घोल बनाऊंगी। देखिए एकदम पतला घोल आपको बनाना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो कटलेट है इसको पहले ये घोल में आपको डिप करना है। और ये काम आप जरूर एक फोक की मदद से कीजिए। और इसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से कोट करूंगी। दोस्तों, आप चाहे तो ये जो कटलेट है ये और एक बार ये जो घोल है इसमें डिप करके फिर ब्रेड क्रम्ब में कोट कर सकते हैं। तो ये जो डबल कोटिंग का प्रोसेस है ये भी आप कर सकते हैं। तो एकदम ये जो कटलेट है मैंने बना लिया। तो देखिए ये जो सारे कटलेट है मैंने एकदम तैयार कर लिया। और इसको मैं 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए। तो देखिए एकदम सेट हो चुका है। मैं फ्रिज से निकल के भी लाई हूँ। देखिए कोई भी ब्रेड क्रम्स इससे झड़ नहीं रहा है, इसका मतलब अच्छे से सेट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो मैंने ये जो कढ़ाई है, एक कढ़ाई में मैं इसमें सफिशियंट रिफाइंड ऑयल गरम करूँगी। और जैसे तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा मैं गैस का फ्लेम कर दूँगी लो मीडियम पे। क्योंकि अगर आप वही गर्म तेल में ये कटलेट्स ऐड करोगे ना तो सारे के सारे कटलेट्स एकदम जल जाएगा। इसीलिए
फ्लेम को करना है लो मीडियम पे और सारे कटलेट्स को ऐड करना है। जैसे कि 1 से 1.5 मिनट हो जाएगा और कटलेट नीचे से अच्छे से पक जाएगा, तब मैं इसको चम्मच से ऐसे फ्लिप कर दूंगी। देखिए कितना अच्छे से कटलेट्स फ्लिप हो रहा है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। और ये जो पलटने का काम है ना दोस्तों, ये आपको बहुत केयरफुली करना है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है ना, इसीलिए। और आपको ये काम लो मीडियम फ्लेम पे करना है, वरना क्या होगा, कटलेट्स जो है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर का पोर्शन एकदम जल जाएगा। तो आपको बहुत केयरफुली ये कटलेट को अच्छे से फ्राई करना है। तो देखिए ये जो कटलेट्स है ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। कोशिश करना कि कोई स्टील का बर्तन में ये इसको ट्रांसफ़र करना, तो ये बहुत क्रंची और कुरकुरा रहेगा। तो मैंने सारे कटलेट्स को ऐसे अच्छे से फ्राई कर लिया और अब मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र करूँगी और सर्व करूँगी। दोस्तों ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर इस रेसिपी को घर पे ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये जो कटलेट्स का रेसिपी है ना, ये हम लोगों को बहुत पसंद है। तो मैं इसको सॉस और प्याज के साथ सर्व किया, क्योंकि इससे इसका खाने का टेस्ट अच्छा आता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आता है और हेल्पफुल लगता है, तो ज़रूर मेरे चैनल लकीज़ किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं आती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।